तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नकुल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियस बॉलर। और वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग देखेंगे आईफोन 6s के बारे में। जो ये जो फ़ोन था, ये जो निकला था वो 2015 में। पता नहीं मैं ये रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ये जो फ़ोन था, इतना पुराना फ़ोन है लेकिन फिर भी आज अगर आप देखोगे तो जो भी आईफोन यूज़र होते हैं, जितने भी हम लोगों को मार्केट में दिखेंगे, वो इस फ़ोन को वापरते यूज़ करते हैं। जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं वो भी इसको आज भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लेटेस्ट iOS 14 भी चल रहा है। और देखा जाए तो ये फ़ोन अभी भी एकदम बीस्ट की तरह परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं इस फ़ोन के बारे में। वैसे इस फ़ोन को निकले 7 ईयर्स हो गया है ऑलमोस्ट। तो मेरे पास जो है ये गोल्ड कलर वेरियंट है 32 वाला, जो कि मैंने काफ़ी पहले लिया था। इसको तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है, काफ़ी पुराना सा फ़ोन है और आज भी लेटेस्ट। ये जो एप्पल वाली जो ब्रांडिंग है ना, ये काफ़ी फेमस है और आज भी लोग इसी के लिए इस फ़ोन को यूज़ करते हैं। मेरे पास जो है ये गोल्ड वाला काफ़ी बेहतर दिख रहा है। और वैसे 2021 शुरू हो गया और 2021 में इस फ़ोन को यूज़ करना, आई नो काफ़ी इलॉजिकल सा होता है कभी कभी, बट देखा जाए तो ये फ़ोन आज भी इतना ही स्मूथ और इतना ही, देख सकते हो इतना स्मूथ चल रहा है, इतना मतलब टच रिस्पॉन्स भी एकदम बढ़िया बढ़िया सी है। तो आज भी मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ और मुझे ना मतलब ऑलमोस्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं इस फ़ोन के बारे में और क्या देखते हैं कि क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं यानी 2021 में। तो बात करूँ इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो मैंने यहाँ पे राइट साइड में आपको पूरे स्पेसिफिकेशंस दे दिए हैं, तो आपको पूरे स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। वैसे तो उतने खास स्पेसिफिकेशंस नहीं है क्योंकि 2015 का फ़ोन है, तो ऑलमोस्ट सिक्स ईयर से ज़्यादा हो चुका है। और अभी जो है आईफोन 12 भी आ चुका है। तो और बात करूँ इसके टच की, एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। वैसे मैं तो इसको अभी जो है iOS 13 में यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको अबाउट में अगर जाके दिखाऊँ जनरल में, तो मैं जो है अभी iOS 13 में ही यूज़ कर रहा हूँ, 13.7 में। लेकिन इसका जो है अपडेट जो है सॉफ्टवेयर का जो है, वो iOS 14 का भी आ चुका है। जैसे देख सकते हैं लेटेस्ट iOS है 14.3। ये मैं अपडेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एनीवेज 32 GB का फ़ोन है और जो अपडेट करने के बाद जो है बैटरी के इश्यूज आ सकते हैं शायद, क्योंकि iOS 13 में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एकदम स्मूथ, देखो एकदम स्मूथ चल रहा है, कोई डिले नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया सा चलता है ये फ़ोन आज भी। मैं पर्सनली अभी तो iPhone 11 यूज़ करता हूँ, लेकिन ये जो फ़ोन है मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है और इसमें अभी भी आज भी मेरे सारे एप्लीकेशन हैं। तो मैं कभी कभी सेकेंडरी में इस फ़ोन को यूज़ कर लेता हूँ। एकदम बढ़िया है और एकदम गोल्ड कलर जो फिनिश है जो बहुत बढ़िया दिखती है। इसकी बात करते हैं इसकी बैटरी के, बैटरी जो है थोड़ा एक वीक पॉइंट हो सकता है फ़ोन का, लेकिन अराउंड 1700 mAh की बैटरी है, जो कम है लेकिन आज भी मुझे मोर देन हाफ ऑफ द डे का यूजेज दे देती है। तो मतलब अगर मैं सुबह चार्ज करता हूँ तो शाम में मुझे फिर से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी बैटरी, अगर आप ज़्यादा हार्डकोर यूज़र नहीं हो, उतना यूज़ नहीं करते हो, तो आपको तो यार आराम से चली जाएगा, एक दिन तो चली जाएगा। अगर आप बिजनेस यूज़ के लिए कॉल्स वगैरह लेना है, कॉल क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है अभी। जैसे देखो वाईफाई सपोर्ट भी है कॉलिंग का, तो मेरा जियो वाईफाई पे चल रहा है। अब देखिए इसका कैमरा जो है, कैमरा भी थोड़ा आउटडेटेड सा है जो लुक देता है, लेकिन जो पिक्चर्स आती है ना वो काफ़ी बढ़िया सी आती है और इतना क्विक पिक्चर्स ले लेता है। अभी इतना क्विक है, जो लाइव मोड है फ़ोटोज़ का वो भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है इसमें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी बात करें ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस तो आप देखोगे कि एकदम ही फुली ब्राइट चले जाता है। तो ये देखोगे आप कितना ज़्यादा ब्राइट है, मतलब मेरा कैमरा तो कैप्चर भी नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा ब्राइट है। तो डे और नाइट यूजेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ़ोन मैंने एक्चुअली 2 से 3 साल से ज़्यादा यूज़ कर लिया है अभी, और आज भी मेरे को लगता है कि हाँ ये फ़ोन एक वेरी गुड और कंपैटिबल फ़ोन है 2021 के लिए भी। जिनको अगर, हाँ अगर तुम्हें गेमिंग वगैरह उतनी नहीं करनी, कॉल्स वगैरह लेने हैं, मेल्स चेक करने हैं, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ करनी है, तो ये फ़ोन बिल्कुल ले सकते हो। तो 2021 में भी मुझे ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने मेटल रेलिंग जो है सिल्वर कलर की लगा रखी थी, वो मैंने एक्सचेंज किया था ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए। बाकी फ़ोन तो एकदम तबाही है। एप्पल के फ़ोन जनरली 6 से 7 साल आराम से चल जाते हैं। अगर आप आईफोन 11 या 12 भी अभी लोगे तो उसको 6 से 7 साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने लिया था, काफ़ी टाइम हो गया इसको भी, और आज भी ये एकदम स्मूथ है, डिज़ाइन भी एकदम स्लीक है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये जो कर्व वाली डिज़ाइन थी ना, वो काफ़ी बेहतर लगी थी। आजकल के जो फ़ोन है उसमें पूरे फ्लैट एजेस आते हैं और शाइनी आते हैं,
तो उसमें फिंगरप्रिंट्स भी काफ़ी आते हैं और वो चुभता भी है हाथ में बहुत। ये जो एकदम एक कंफर्टेबल सी फील और होल्ड देता है जिससे कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती। मैं काफ़ी सारे ऐप्स भी यूज़ कर रखा हूँ, इसकी जो वाईफाई है वाईफाई भी एकदम बढ़िया सी चलती है और जो पावर सेविंग है वो भी है, डार्क मोड भी है इसमें के अंदर। तो जैसे अभी ये कॉल लॉग हो गया, ये अभी इसमें डार्क मोड पे डायनामिक वॉलपेपर्स है जो कि डार्क मोड में स्विच कर जाते हैं अपने आप से। तो ये एक अपने में ही काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। आई नो 2021 में बोलना भी इसको मतलब थोड़ा शर्म की बात है क्योंकि ये बहुत पुराना फ़ोन है, बट एप्पल के फ़ोन्स जाने जाते हैं, पुराने से पुराने फ़ोन भी है जो बहुत ही बढ़िया चलते हैं और इसमें सारे ऐप्स जो भी है अवेलेबल है। आप एप्पल वॉच यूज़ करते हो, लेटेस्ट वॉच यूज़ करते हो, इससे पेयर कर सकते हो भले, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो तबाही है एकदम, बहुत ही बढ़िया है। मतलब मसाला वसाला सब डाल रखा है, सब चीज़ें हैं अंदर भरी हुई, कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, एकदम मक्खन की तरह चलता है। अभी तो फिलहाल iOS 13 पे चल रहा है ये फ़ोन, अगर 14 पे भी अपडेट करते हो तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अपनी जो बैटरी है वो रिप्लेस करा के 100% मैक्सिमम कैपेसिटी रख लो बैटरी की, ताकि जो है बैटरी में भी प्रॉब्लम ना हो और आराम से मोर देन हाफ ऑफ डे यूजेज में इसे कह सकता हूँ। और बात करी जाए इसके जो अपना UI की और वेब ब्राउजिंग या कुछ भी है, एकदम स्मूथ चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 4G प्लस भी सपोर्ट करता है तो एयरटेल या जियो पे एकदम परफेक्ट काम करता है। वी पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है बट एयरटेल जियो पे एकदम बराबर से काम कर जाता है। और लेटेस्ट ऐप्स है सारे, तो मतलब iOS 14 है तो ऐप्स की कंपैटिबिलिटी भी एकदम बढ़िया सी होगी, तो आपको जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका लेंस, कैमरा लेंस जो है वो एक सिंगल सा लेंस है हाँ, बट इसका सिंगल लेंस भी है आज के मुताबिक भी काफ़ी। एंड्रॉयड फ़ोन जो आते हैं वो तीन चार सेल के साथ आते हैं, उनका भले ही मेगा पिक्सल ज़्यादा होता है, इसका सिर्फ 8 मेगा पिक्सल का कैमरा है, लेकिन इतना अच्छा काम करता है, इतना बेहतर काम करता है जो एंड्रॉयड भी नहीं कर पाते। और इसका जो टच फिंगरप्रिंट भी है, टच आईडी बोलते हैं जो इसको, इतना बढ़िया सा काम कर जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जैसे मैं ये ऑफ़ किया, ये जैसे ही क्लिक करता हूँ ऑन हो जाता। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ये फ़ोन जो है मुझे वीडियो बनाने की बहुत इच्छा हो रही थी क्योंकि ये फ़ोन आज भी इतना बढ़िया काम करता है ना कि आज भी आप अगर इसको सेकेंड हैंड जो है, नया तो नहीं लेना क्योंकि नया तो पैसा बर्बादी है, सेकेंड हैंड आज भी अगर इस फ़ोन को लेते हो अच्छी कंडीशन का, तो आपको 1-2 साल तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। जो बेसिक जो फ़ोन में काम होता है ना वो एकदम बेहतर हो जाता है और आपको जो एप्पल का लोगो और जो फील है वो भी मिल जाती है। मैं तो ये फ़िलहाल एक केस यूज़ करता हूँ इसके साथ में, तो इस केस के साथ भी बढ़िया सा दिखता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।